गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपना लास्ट वाले वीडियो में रियल नंबर स्टार्ट किया था। रियल नंबर होता क्या है, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, रियल नंबर में कितने कौन कौन से नंबर आते हैं, रैशनल नंबर और होल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब हमने नंबर्स पढ़ा था। और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर का मतलब होता क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती क्या है, एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, ये सब भी हमने देखा था। तो आज हम अपना एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो तुमको पता होना चाहिए, जो पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह, है ना, कि 2 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा। टू से डिवाइड कौन सा नंबर होगा, थ्री से कौन सा होगा, फोर से कौन सा होगा, फाइव से कौन सा होगा, सिक्स से कौन सा होगा। ठीक है, टू से वो नंबर होता है जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। थ्री से वो होता है जितने भी डिजिट आ रहे हैं सबका प्लस करके थ्री से डिवाइड होना चाहिए। तो ये सब हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियोज में। आज हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ने का है एक्सरसाइज 1.3। तो बिना देर किए हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ठीक है, जो भी नंबर दिए है उसको हमको प्राइम नंबर के फैक्टर्स के प्रोडक्ट में निकालने का है। एक और चीज़ याद रखो इसमें कि जो भी तुम्हारे कंपोजिट नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर मतलब क्या है, हमने पढ़ा है कि ऐसे नंबर जिसके एटलीस्ट थ्री फैक्टर हो, एटलीस्ट कितने फैक्टर हो, थ्री फैक्टर हो, तो वो सब हमारे कौन से नंबर कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर, जिसके एटलीस्ट कितने फैक्टर होने चाहिए, थ्री फैक्टर होने चाहिए। तो जो भी तुम्हारे प्राइम ये होंगे कंपोजिट नंबर, उसको मैं कंपोजिट नंबर के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के मल्टीपल में मैं एक्सप्रेस करके ला सकता हूँ। ठीक है, जो भी तुम्हारा कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, वो सबके सब नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के मल्टीपल के बराबर रहते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला, देखो ये 140 दिया है, तो आखिरी में कितना आ रहा है, जीरो। अगर तुम इसको फाइव से भी डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा, टू से भी डिवाइड करोगे वो तो भी हो जाएगा। तो टू से करके देख ले, तो इसको ओरली जब तो ओरली करना है तो बाजू में करना, टू से करो, 2 7 14, 7 आ गया, सॉरी 0 आ गया, तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो कितना हो गया 70। ठीक है, फिर 0 है तो फिर 2 से डिवाइड किया तो 35 हो जाएगा, फिर 5 7 से करूँगा, फिर 7 से, तो 1 से। तो तुमने 140 को कैसे तोड़ दिया, 2 2 5 7, तो मैं 140 को कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 140 इक्वल टू, उसने बोला है कि प्रोडक्ट में निकालो उसके प्राइम फैक्टर के, इसलिए हमने सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड किया, क्योंकि इस मेथड का ही नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नाम है। अब देखो ये दोनों का बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो पावर का क्या करेंगे, प्लस, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 5 इंटू 7, बस खत्म। इसके आगे सॉल्व होने वाला नहीं है। उसने बोला था क्वेश्चन में कि जो भी तुम्हारा नंबर दे उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के इसमें एक्सप्रेस करके लाओ, तो हमने ला दिया। ठीक, ऐसे ही ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबको करने का है। एक और देखो, सेकंड वाला देखो, सेकंड देखो क्या, सेकंड 156, इधर बनाया मैंने ऐसा 156। अब दिक्कत आ रही होगी कि भैया हम किससे डिवाइड करें, टू से करें कि थ्री से करें। देखो आखिरी में 6 आया, 0 आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, वो सबके सब नंबर तुम्हारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो आखिरी में 6 है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, किया मैंने 2 से डिवाइड, तो 156 को तुमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 7 14 होता है और 2 8 16 होता है, तो कितना आ गया तुम्हारा 78। फिर 8 आया, फिर इसको 2 से किया डिवाइड, तो 2 3 6 होंगा, और 2 9 का कितना हो जाएगा 18। अब जो तुम्हारा 39 है ये 3 के टेबल में आता है क्या, चेक कर लो, 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 कितना होता है 12, 3 के टेबल से डिवाइड होता है, तो 1 और 3 हो गया। ठीक है, अब 13 आ गया तो 13 को 13 से डिवाइड होगा, क्योंकि 13 तुम्हारा कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो तुम्हारा फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। फैक्टर मतलब हो गया कि तुम ये कोई भी एक नंबर से 156 को डिवाइड करोगे तो परफेक्ट डिवाइड होगा। तो देखो 156 को क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 156, दोनों का बेस सेम है, पावर का प्लस करूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 इंटू 13, ये हो गया 156 का प्राइम फैक्टर। ठीक है,
अब तो बोलने का मतलब ये होगा कि भैया क्या पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना, नहीं तुम चाहे तो पहले 13 से कर दो, फिर 3 से करो, 2 से करो, उल्टा सीधा कैसे भी करोगे, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना लगा रहा है। अगर तुम सिर्फ कौन सा नंबर यूज़ करोगे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर यूज़ करो तो तुम्हारा ये ऐसे नहीं कुछ अलग ही आएंगे। जैसे तुम 13 × 13 × 3 कर दोगे तो 39 से डिवाइड कर दोगे पहले, तो अलग तुम्हारा फैक्टर आएगा, ठीक है। लेकिन मैथड तुमको उसने बोला है कि कौन से फैक्टर में निकालना है, हमको प्राइम फैक्टर निकालना है, इसलिए केवल हम कौन सा नंबर यूज़ करेंगे, प्राइम नंबर यूज़ करने वाले, उसके अलावा कोई नंबर यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। देखो एक फोर्थ देखो, बाकी तुम लोग ट्राई करना, फोर्थ देखो। फोर्थ क्या है? 5005। सब आदि में बना दिए, इसको पेपर में भी बना दे, तुम्हारा कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, बनाना उसको, ठीक है। देखो यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो, यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0, पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, तुम्हारा 5 से, किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। तो कितना तुम्हारा 500/5 से किया डिवाइड, तो 1 आएगा, 001, ठीक है। 5 से किया डिवाइड तो कितना आएगा, 1 आएगा, 001। अब देखो कितना हो गया, 1 + 1 कितना होता है, 2। 2 तुम्हारे किसके टेबल में आता है, अगर 3 का तुमको 3 के टेबल से इसको चेक करने का है तो बोलता है जितने भी तुम्हारे डिजिट आ रहे हैं सबका प्लस कर दो और उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन 1 0 + 0 + 0 तो तुम्हारा 2 हो रहा है, तो 2 के टेबल, 2 3 के टेबल में नहीं आता है। अगर 7 से चेक करना है तुमको, है ना, तो ट्रिक वगैरह कोई यूज नहीं करना, 2 से तो नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, तो 5 से भी नहीं होने वाला, तो नेक्स्ट नंबर तुम्हारा कौन सा बचेगा, 7, ठीक है। तो 7 से इसको डिवाइड करके देखो, तो देखो 1001, 7 1 = 7, 30 आ गया, 7 4 = 28, 2 आ गया इधर बनाएंगे, और 7 3 = 21, तो तुम्हारा कितने टाइम्स कट गया, 143 टाइम्स। कितने टाइम्स कटा, 143 टाइम्स 7 से। अब इधर कितना आ गया, 7 4 + 3 7, 7 + 1 8, 4 + 3 7, और 7 + 3 कितना होता है, 8 होता है, 7 + 1 कितना होता है, 8 होता है तुम्हारा। अगर फिर से देखो लास्ट में 3 आया तो 2 से होने वाला नहीं है, लास्ट में 0 और 5 होगा तो ही 5 से होने वाला, तो 2 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होने वाला है। 7 से एक बार चेक कर लो, और एक उसके बाद जो तुम्हारा प्राइम नंबर आता है उससे चेक करने से आगे के बढ़ते जाना। तो 7 से अगर किए तो कितना होगा, 7 2 = 14 हो जाएगा, 3 बचेगा, परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम किससे डिवाइड करेंगे उसको, 13 से किया, 13 से डिवाइड, तो 13 1 से 13, और 13 1 से कितना होता है, 13 होता है, तो कितना आ गया, 11, और 11 को 11 से कट करेंगे तो कितना आ गया बात, ठीक है। तो तुम्हारा फैक्टर क्या आ गया, 5005 का 5 × 7 × 13 × 11, सीधा करके लिख लेता हूँ इसको, 5 × 7 × 11 × 13, तो हो गया तुम्हारा प्राइम फैक्टर बन गया इसका, ठीक है। तो ऐसा ही तुम्हारा फिफ्थ करना है, और थर्ड वाला ट्राई करो, बहुत इजी है। बस तुमको नंबर पता होना चाहिए कि कौन से नंबर से हमको केवल प्राइम नंबर यूज़ करने का है। प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और इसके आगे और यूज़ करते जाने का है। तो 2 3 5 7 11 13, अब जैसे मैंने 5 से किया, 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा, 7 ट्राई किया, फिर 13 ट्राई किया, ऐसे करते जाना है। ट्रिक्स याद, 2 5 7 इन सब की ट्रिक्स याद रखो, 7 13 वगैरह की ट्रिक्स काफ़ी हार्ड है उसको याद करने में, ठीक है। उसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, ठीक है, समझे कैसे इसके फैक्टर निकालने का हमको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोले, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोटोटाइप ऑफ 2 नंबर। जैसे तुम पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में देखोगे तो मैंने फॉर्मूला भी लिख के दिया था कि कोई भी 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ पर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उसके प्रोडक्ट के बराबर रहता है, वो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। बट ये केवल वैलिड कितने नंबर के लिए, 2 ही नंबर, अगर तुम 2 ही नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हो तो ही ये फॉर्मूला तुम्हारा वैलिड है, 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है, 3 नंबर के निकालने के लिए तो वैलिड नहीं है, बहुत हार्ड होता है 3 नंबर के लिए, ठीक है। 3 नंबर में एप्लीकेबल नहीं है, केवल सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है, अगर 3 नंबर के यूज करें तो 3 नंबर का दूसरा है, ठीक है। देखो उसने तो पहले बोला इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो देखो फर्स्ट वाला 26 और 91, तो दोनों का पहले हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। इधर निकाल रहा हूँ मैं 26 का, और इधर निकालूंगा 91 का, एलसीएम निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है।
कोई भी मेथड यूज कर सकते हो तुम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हो या फिर लॉन्ग डिवीजन डिवीजन मेथड करके भी एक है वो भी यूज करेंगे तो भी चलेंगे। मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ईजी लगती है इसलिए ये करते हैं। अब 26 और 19 है, 26 और 19 है, 13 के टेबल में दोनों आता है तो मैं डायरेक्ट 13 से डिवाइड करूंगा। 13 2 26 और 13 7 का कितना होता है 91, तो तुम्हारा 13 के टेबल में 26 टू टाइम्स आएंगे और ये 91 सेवन टाइम्स आएंगे, ठीक है। अब इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 7 बचा, फिर 7 से डिवाइड किया तो 1, 1, ठीक है। तो ये हो गया, तो तुम्हारा एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 कितना हो जाएगा, 13 × 2 × 7, तो मल्टीप्लाई करो, 13 × 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 13 × 4 कितना होता है 52 का 2 कैरी 5 होता है, 13 × 1 कितना होता है 13 × 5 कितना होता है 18, तो तुम्हारा एलसीएम कितना आया इसका 26 और 91 का 182, कितना आया 182। इसको हम डिवीजन ही मेथड बोलते हैं। अब मेरे को निकालने का है इसका एचसीएफ, क्या निकालने का है एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ में हमको वेरीफाई भी करने का है तो तुम ऐसे डायरेक्ट के फॉर्मूला भी अप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और फिर एचसीएफ तुम्हारा निकल जाएंगे, फिर उसको वेरीफाई करके चेक कर लेते। देखो या मेथड भी निकालने का, एक ऐसा मेथड है, इसको 26 लिया, 13 से डिवाइड किया 2 आया, 2 से डिवाइड किया 1 आया, फिर 91, 13 7 या 7 से डिवाइड किया 1 आया, तो 13 को तुमने क्या लिखा, 26 को क्या लिखा तुमने 13 × 2 और 91 को क्या लिखा तुमने, 91 को लिखा मैंने 13 × 7, दोनों के इसमें क्या कॉमन आ रहा है 13, तो देयर फोर एच सी एफ ऑफ 26 एंड 91 कितना हो जाएगा 13, 26 और 91 ऐसा सेपरेट करके अलग करूँगे तो, और बाकी जो नंबर बच रहे हैं उनको भी लिखूंगे तो वो सब उनका भी जब मल्टीप्लाई करूंगे आपस में तो तुम्हारा एलसीएम निकल जाता है। तो 13 और 13, अब बोलेंगे भैया पेयर में क्यों लिए, क्योंकि मैं कितने नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहा हूँ, दो नंबर का, इसलिए एक नंबर दोनों के इसमें वो सेम नंबर आना चाहिए उन्हीं को लेने का है। जैसे 13 13 एक पेयर तो एक बार लिखा, एक बार आ रहा था तो बाजू में मल्टीप्लाई करके लिखता, एक बार आ रहा था तो बाजू में मल्टीप्लाई करके, तुम्हारा एचसीएफ आ गया 13, एचसीएफ कितना आया 13। अब वेरीफाई करने का है तो मतलब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर उसके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो देखो चलो पहला एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना था मेरा 182 और एचसीएफ था 13, ठीक है। एलसीएम था 182 और एचसीएफ कितना था मेरा 13, करो 13 से मल्टीप्लाई, 13 × 2 = 26 का 6 कैरी 2, ठीक है। अब 13 × 8 कितना होता है, हाँ 13 × 8 तुम्हारा होता है 104, कितना होता है 104 प्लस 2 कितना होता है 106 का 6 कैरी कितना हो गया 10, 13 × 1 = 13, 13 और 10 कितना होता है 23, तो 2366 तुम्हारा आ गया किसका प्रोडक्ट, एलसीएम इंटू एचसीएफ का, किसका प्रोडक्ट आया एलसीएम इंटू एचसीएफ का। अब लेने का है हमको प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, तो 26 × 91 का प्रोडक्ट निकाल, तो 26 इधर ले लिया और इधर 91 लिया, इधर 6 आएगा इधर 2 आएगा, 9 9 6 54 का 4 कैरी 5, 9 2 18, 18 और 5 कितना होता है 23, 2 3 6, therefore from 1 and 2 LCM into HCF equal to product of two numbers, hence verify, वेरीफाई हो गया क्योंकि हमको दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट कितना है 2366 और प्रोडक्ट ऑफ वो जो दो नंबर दिए तो उनका भी प्रोडक्ट कितना है 2366। तुम्हारा दोनों एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और नंबर का प्रोडक्ट क्या आया, सेम आया, तो इसलिए हमारा जो भी उसने बोला था वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, समझा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करने का, समझा। देखो इसमें का एक सेकंड बताता हूं मैं, सेकंड वाला सेकंड देखो क्या है 510 एंड 92,
इधर 510 का अलग बनाओ और 92 का अलग बनाओ, ठीक है। एक साथ पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, ठीक है। आखिरी में कितना है तुम्हारा, जीरो आया है, कितना है जीरो, तो तुम इसको 5 से डिवाइड करो, फटाफट डिवाइड होगा। तो देखो 5 1 5, फिर 1 उतरेगा तो 0, सर 5 2 10, कितना आ गया मेरा 102, कितना आया 102। 2 + 1 कितना होता है 3, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 9 होता है और 3 4 कितना होता है 12, ठीक है। कितना है तुम्हारा 34, 34 मेरा 2 के टेबल में आता है तो कितने टाइम्स हो जाएगा 17 टाइम, और 17 के टेबल में 1 टाइम आता है, ठीक है। तो हमारा 510 का फैक्टर क्या हो, पहले फैक्टर ले लो, क्या फैक्टर हमारा 510 का, 2 × 3 × 5 × 7, अब 92 बचा है। 9 + 2 कितना होता है 11, 3 के टेबल में नहीं हो रहा, 2 से इसको किया डिवाइड, तो देखो 2 4 8, तो कितना बचेगा 12, और 2 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा 12, 6 टाइम्स, तो 2 6 कितना हो गया 12, ठीक है। जिसको ओरली नहीं जम रहा है वैसा बाजू में करो, 2 4 8, 1 आ गया, 2 नीचे उतरेगा, 2 6 12, कितना आ गया 46 हो गया। 46 को फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 4 और 2 3 6, अब कितना आ गया 23, 23 को केवल 23 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि वो तुम्हारा प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर केवल खुद से ही डिवाइड होता है, तो 23 आ गया। तो तुम 92 को क्या लिखोगे, 2 × 2 × 23, ठीक है। 92 को क्या लिखोगे 2 × 2 × 23। अब उसके बाद एलसीएम लेता हूँ मैं पहले, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, ठीक है। एलसीएम ऑफ 510 92, देखो सेम पेयर वाले कितने नंबर दिख रहे, 1 2 आया, और कुछ दिख रहा है इधर सेम, और कुछ सेम नहीं दिख रहा, तो तुम्हारा एलसीएम कितना हो गया 2, एलसीएम कितना हो गया 2। अब निकालूंगा हम, सॉरी एलसीएम 2 नहीं, जो पेयर वाला है उसको एक बार लिखो, पेयर में कितने, ये 2 और 2 पेयर में एक बार, और बाकी जो भी उनको जैसे का वैसा, 3 × 5 × 17 × 2 × 23, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अब इनका करो मल्टीप्लाई, 3 2 6 10 5 2 10, और ये 17 × कितना हो जाएगा 23, 10 6 60 × 17 × कितना 23, एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दो उसका, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, देखो 17 0 0, ठीक है, 17 0 0 0, 17 और 17 का टेबल, 17 6 कितना होता है, 17 6 कितना होता है तुम्हारा 102, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 102 × 23, 1020 × 23, 3 0 0 3 2 6, 3 0 0 3 1 3, 2 0 0 2 2 4, 2 0 0 2 1 2, 0 6 4 3 2, तुम्हारा नंबर क्या गया 23460। ये तुम्हारे कहने का एलसीएम ऑफ किसका 510 एंड 92 का, क्या निकला एलसीएम 510 और किसका 92 का। अब हमको निकालना है एचसीएफ, ठीक है, क्या निकालने का हमको एचसीएफ, तो देखो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92, जो भी तुम्हारे फैक्टर निकले हैं उसमें देखो, जैसे दो नंबर का तुम एचसीएफ निकाल रहे हो, तो 2 यहाँ पे एक बार आया इधर, तो इनका एक पेयर हो गया, तो एक बार लिखेंगे। 3 का कोई पेयर दिख रहा है नीचे, तो नहीं, जो नंबर पेयर में दिख रहे हैं उसको एक एक बार नीचे लिखते जाने का, केवल 2 ही दिख रहा है, उसके अलावा कोई नहीं दिख रहा, तो तुम्हारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो गया 2। अब उसके आगे हमको क्या बोला था, उसने वेरीफाई भी करने का है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम इंटू एचसीएफ पहले निकालो, तो एलसीएम कितना है हमारा 23460 और एचसीएफ कितना है 2, 2 0 0 2 6 12 का 2 कैरी 1 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तुम्हारा कितना आ गया 46920, ये एलसीएम आया। अब हमको निकालने का है प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92, ठीक है, 510 और किसका 92 का, तो 510 × 92 करो 510 × 92, 2 0 0 2 1 2, 2 5 10, 9 0 0 9 1 9, 9 5 45, 02946, तो तुम्हारा कितना है 46920, इसको दिया 1 और इसको दिया 2, दोनों को देखो हमको बोला था वेरीफाई करने के लिए, मतलब एलसीएम और एससी, एलसीएम इंटू एससीएफ का प्रोडक्ट जितना आएगा उतना ही वो दोनों नंबर के
प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए दोनों को। देखो इसका कितना प्रोडक्ट है 46,920, इसका भी प्रोडक्ट कितना है 46,920। फ्रॉम वन एंड टू एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू हैंड वेरीफाई। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया। हमको सिर्फ वेरीफाई करने का था कि उनका प्रोडक्ट इनके बराबर होना चाहिए दो नंबर का। थर्ड वाला तुम लोग ट्राई करो, थर्ड वाला बहुत आसान है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। क्या क्वेश्चन थ्री बोला, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमको एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। कौन सा मेथड यूज करके? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। कौन सा मेथड यूज करना है हमको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो फर्स्ट वाला देखो, अभी जो मेथड हम लोग यूज कर रहे थे उसी मेथड का नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नाम है। फर्स्ट वाला देखो क्या है, 12, 15 एंड 21, तो सबको अलग अलग 12, 15 और इधर 21, तो इसको 2 से किया डिवाइड तो 6 आएगा, 2 से किया डिवाइड 3 आएगा, 3 से किया डिवाइड 1 आएगा। ओरली आना चाहिए, 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम, 2 के टेबल में 6 3 टाइम, 3 के टेबल में 3 1 टाइम। ठीक है, अब 15 मेरा 5 के टेबल में था तो 5 3 15 3 1 3 हो गया। अब 21 है तो 3 7 17 और 7 6 7 1 टाइम। ठीक है, तो देखो 12 का तुम्हारा फैक्टर क्या है? 2 × 2 × 3। 15 का क्या है? 5 × 3। 17 का क्या है? 21 का 3 × 7। तो जब तुम इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, तो एलसीएम क्या बोलता है? जो भी तुम्हारे फैक्टर है प्राइम नंबर के, जो भी ये नंबर के फैक्टर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो पेयर वाले नंबर है उसको एक बार लिखना है। जो पेयर में नंबर उसको एक बार, तीनों में वो नंबर आ रहा है तो उसको एक बार लिखना है। जैसे 2 देखो, 2 सिर्फ केवल इसी में आ रहा है और किसी में 2, तो 3 देखो, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी, तो 3 को लिखूंगा एक बार। बाकी कोई भी नंबर तीनों में सेम नहीं आ रहा है तो जो जितने बार आ रहा है 12 में, जैसे 2 कितने बार है? 2 बार, तो इसको 2 बार लिख दूंगा। या 5 कितने बार है? एक बार। और इधर 7 कितने बार है? एक बार। क्या बोला मैंने? जितने बार तीनों में पहले देखना कॉमन कौन से है उसको एक बार लिख देना, और जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी लिखने का है। क्या निकालने के लिए? एलसीएम। क्या निकालने के लिए? एलसीएम। करो मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60 और इंटू 7 जैसे का वैसा, 7 × 0 = 0 और 7 × 6 = 42, तुम्हारा एलसीएम कितना आ गया? 420। अब निकालने का है हमको एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। अब एचसीएफ क्या बोलता है कि तीनों में जो नंबर कॉमन है, तीनों में जो नंबर कॉमन है, जैसे 12 में 3 आया, 15 में भी 3 आया, 21 में भी 3 आया, तो उसको एक बार लिख दिया इनटू। और कोई नंबर कॉमन दिख रहा है कि इस 12 के पास 2 है, इसके पास 2 नहीं, इसके पास 2 नहीं है, तो मैं नहीं लूँगा। 2 एक और इसके पास है, इसके पास नहीं, तीनों में जो सेम नंबर है उसको एक बार। अब जैसे तीनों में क्यों दिख रहा है? क्योंकि तीनों नंबर का निकाल रहा हूं मैं। अगर 4 नंबर निकालता तो 4 में सेम नंबर आता तो मैं लिखता, लेकिन यहाँ पे केवल 3 है जो तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3, और एलसीएम कितना हो जाएगा? 420। ठीक है, तो उसने सिर्फ क्वेश्चन में क्या बोला था? एलसीएम और एचसीएफ निकालो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का है। ये बाजू में तीनों इसी मेथड को, यही मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसे सॉल्व करके रखना बाजू में। ठीक है, समझा? चलो एक और देख लो, थर्ड वाला देख लो। ठीक है, थर्ड देखो क्या है, 8, 9, 25, तो इधर 8 का लूंगा मैं, इधर 9 का लूंगा, और इधर किसका लूंगा? 25 का। ठीक है, 8, 9 और कितना? 25। तो 8 किसके टेबल में आता है? 2 के, तो 2 के टेबल में 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम। ये सिंपल है, इसलिए इतना फास्ट ले रहे हो, आना चाहिए, डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, तो 4, फिर 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, तो फिर 2 के टेबल में 1 तक लेके जाने का इसको। अब 9 केवल 3 के टेबल में आता है, हमको सिर्फ प्राइम ही नंबर यूज करने का, इसलिए प्राइम नंबर यूज करें, 3, 3 = 1। अब 25, 5, 5 = 5, 5 = 1। अब देखो 8 को मैंने क्या लिखा? 2 × 2 × 2 और इंटू 1 लिख देता हूँ लास्ट में। 9 को क्या लिखा? 3 × 3 × 1। 25 को क्या लिखा? 5
5 × 5 × 1 एलसीएम ऑफ 8, 9 and 25 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 तो सिंपल है 8 × 9 × 25 कर दिया। 8, 9 कितना होता है 72 × 25 ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो तुम्हारा क्या निकल जाएगा एलसीएम। अब बात करें एचसीएफ की 8, 9 and 25 तो एचसीएफ क्या बोलता है तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 इसके पास है, 9 के पास 2 नहीं है, 25 के पास 2 है तो 2 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, केवल कॉमन क्या है तीनों में 1 है, केवल कॉमन क्या है तीनों में 1 है। तो ऐसे ठीक है, तो तीनों में कॉमन क्या है 1 है, तो ऐसे नंबर ऑफ पेयर जिनका फैक्टर केवल 1 हो वैसे नंबर को हम को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो 8, 9 और 25 तुम्हारा कौन सा नंबर हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा एलसीएम हो गया, तुम्हारा एचसीएफ हो गया। तो इसी मेथड से हमको सॉल्व करने का, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।